27 जून को रिलीज हो रही है एक विलन, और आज एबीपी न्यूज रूम में हमारे साथ हैं एक विलन का बेहद शानदार और टैलेंटेड स्टार कास्ट। मेरे साथ हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख। थैंक यू। और तीनों की बात करें, मेरे ख्याल से तीनों के ही लिहाज से ये जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं निहायत ही अनकन्वेंशनल। श्रद्धा, किसने सोचा था कि एक ऐसे एक्ट्रेस जिसने तीन पत्ती से किरदार अपने करियर की शुरुआत की, वो आशिकी और अब एक विलन। जी बिल्कुल, हर एक फिल्म में कोशिश है कि रोल्स जो है मैं प्ले करूँ अलग रहे और अलग अलग कहानी का हिस्सा बनूँ। तो डेफिनेटली यही कोशिश रही है, एंड आई होप दैट पीपल कीप लाइकिंग इट एंड एक्सेप्ट मी द वे दैट दे एंजॉयड आशिकी टू। और सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से दोनों ही जो आपके किरदार थे इससे पहले, कम से कम जो फिल्म्स देखी हैं, बहुत ही सटल, बहुत ही अंडरप्लेड, और फिर ये एक बार फिर एक निहायत ही अनकन्वेंशनल कैरेक्टर आपके लिए। करेक्ट, बहुत अलग है जो मैंने पहले किया है, बहुत अलग है जो लोग परसीव करते हैं कि हम मैं शायद कर सकता हूँ। तो दैट मेक्स इट स्लाइटली स्कैरी एट टाइम्स एंड स्लाइटली मोर एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं, बी इट यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग शोइंग एंगर और इंटेंसिटी और नेगेटिव थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो हाँ, आई थिंक मेरे लिए काफी एक्साइटिंग था। so कितना मुश्किल रहा आपको अपने लिमिट स्ट्रेच करने के लिए? काफी मुश्किल, आई थिंक मुश्किल से ज्यादा वी आर नॉट अवेयर, ऐसे मैंने कभी कोशिश नहीं करी। आई थिंक बिकॉज अगर आप दो ही पिक्चरें करी हैं तो तीसरी पिक्चर में अगर आपको कोई बोले यू नो कि किस किस्म का या गुस्सा लाना, यहाँ पे गुस्सा भी हम लोग मैंने गुस्सा किया जैसे मैं कॉलेज में था, और ये गुस्सा अलग है, दिस इज फार मोर इंटेंस, नेगेटिव कैरेक्टर है। तो इवल इवलनेस के साथ जो गुस्सा दिखाना वो काफी नया था, काफी मुश्किल था। आई थिंक इमोशनली काफी होमवर्क करना पड़ता है टू गेट इट राइट एंड नॉट मेक इट लुक फेक। कन्विक्शन की बात होती है। एंड प्लीज डोंट माइंड सिद्धार्थ एंड श्रद्धा, रितेश, जो मैं रशेस में आपको देख रहा हूँ, मेरी निगाह आप पर सबसे ज्यादा थम रही है। मेरे ख्याल से ऐसा कैरेक्टर कम से कम आपने कभी प्ले नहीं किया, और जो भाव मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ वो बहुत बहुत बिल्कुल नए किस्म के भाव है। कम से कम एक कॉमिक कैरेक्टर्स किए हैं आपने इससे पहले, और आज ये किरदार। आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं पिछले 10-12 साल से जो काम कर रहा हूँ, और काम करने के बाद एक इंसान की इक्विटी बन जाती है कि उसे एक चीज़ के लिए जाना जाता है, एंड आई थिंक मुझे कॉमेडी के लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो कॉमेडी जॉनर की रही है जिनका मैं हिस्सा रहा हूँ, शायद वो बॉक्स ऑफिस में बहुत चली है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये आएगा, हंसाएगा, कुछ फ़नी होगा, पर जब मुझे इस फिल्म में कास्ट करने के बारे में एकता और मोहित ने सोचा था तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि मुझे क्यों। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ अलग चाहिए। सो पूरा वो जो जो इक्विटी थी या जो पूरा डिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ा हमको, कि जो मैं अब तक करते आ रहा हूँ वो सब कुछ छोड़ के एक नया कैरेक्टर कैसे डेवलप करूँ जो लोगों को कन्विंस कर पाए। नहीं, मगर चैलेंज आपके लिए तब होगा जब ऑडियंस के बीच में फिल्म जाएगी, क्योंकि बैगेज जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो बैगेज ऑडियंस के साथ रहेगा। नहीं बिल्कुल, तो चलो ये तो काम हम लोगों ने कर लिया, पर डर इस बात का था कि जब पहला प्रोमो आएगा तो क्या लोग ये कहेंगे कि ये कैरेक्टर मिसकास्ट है, क्या ये सची में उतना सीरियस लग पाएगा कि नहीं, पूरा बहुत बैगेज था। आई थिंक स्मार्टली जो बालाजी की मार्केटिंग टीम है और मोहित है, उनने सोचा कि किस तरह इसको रिवील किया जाए ताकि स्लोली स्लोली ऑडियंस को भी ट्रेन किया जाएगा कि ये किरदार क्या है। बिल्कुल। और श्रद्धा, मोहित सूरी आपको एक बहुत ऊंचा मुकाम देते हैं, मेरे ख्याल से मैंने कहा इंटरव्यू में पढ़ा था कि श्रद्धा ने मुझे एक तरह से दूसरा जन्म दिया है, और रेफरेंस शायद आशिकी 2 का आशिकी का था। कितना जुदा है आशिकी से आपका ये किरदार? एक्चुअली मैं जो आप इनसे पूछने वाले थे मैं उसे उसको कुछ ऐड करने वाली थी कि जो रिस्पॉन्स लोग मुझसे कह रहे हैं कि रितेश इज एक्चुअली लुकिंग वेरी स्कैरी, और वो मतलब डरावने और इंटिमिडेटिंग लग रहे हैं, और ख़ास करके जो वो शॉर्ट मतलब ऐसे देखते हैं, और आपको मतलब आई डोंट नो इफ नोटिस किया पर हमने ये लेंसेज यूज़ किए ग्रीन और ब्राउन, तो इनकी एक आँख में ग्रीन है एक में ब्राउन है, तो वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ट्रेट भी है, एंड आई थिंक मतलब ही इज लुकिंग सो दैट वाज थैंक्स टू हर। सेट पे इन्होंने चूज किया कि कौन सी आँख ग्रीन होनी चाहिए और कौन सी आँख ब्राउन होनी चाहिए। डिसाइड कैसे किया कौन सी आँख ग्रीन कौन सी आँख, पर इनके कैरेक्टर इनके रोल के हिसाब से जिस तरीके के जिस तरीके से इनका रोल लिखा गया है तो वो उससे बहुत सूट करता है, पर
इन एनी केस मोहित के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और इस बारी एक बहुत ही अलग रोल है. आयशा जो है आरोही से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत बातें करती है और जोक्स क्रैक करने की कोशिश करती है और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है इन दो विलन्स के बीच में जो ग्रे शेडेड है. और वो ये कोशिश करती है कि खुशियाँ फैलाए, जोक्स क्रैक करे. तो एक अलग रोल है और सबसे पॉजिटिव फैक्टर है एक विलन का. इफ आई मे से आई थिंक शी इज द लाइफ ऑफ द फिल्म. चलिए मेरे ख्याल से जो तैयारी रितेश देशमुख के कैरेक्टर के लिए हुई है उसका एक क्लिप देखते हैं हम लोग. Yes, eyes were slightly different in color. One being hazel green and one being hazel. The green being the evil side of it. Yes, eyes were slightly different in color. One being hazel green and one being hazel. The green being the evil side of it. रितेश, मैं बार बार पीछे हीथ लेजर की तस्वीर देख रहा हूँ. आप जानते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर. आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल विलन द जोकर, क्या उसका इंस्पिरेशन है यहाँ पे? नहीं, आई थिंक क्या है कि जोकर ऑब्वियसली एक आइकॉनिक विलन है जिन्होंने अपने कैरेक्टर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है. लॉट ऑफ पीपल गेट अट्रैक्टेड टू जोकर बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर. बट जोकर इज लार्जर देन लाइफ. इसमें क्या है, ये कॉमन मैन है, ये आम आदमी है, ये कहीं पर भी किलर है जिसकी बात की जा रही है. एक आम, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फिल्म में क्या करता हूँ, पर आई थिंक एक आम आदमी है जिसका डार्क साइड है. और ये आम आदमी कोई भी हो सकता है, रेलवे में हो सकता है, बस स्टॉप पर. विलन कौन है? हु इज द एक विलन हियर? एक विलन, आई थिंक ये नाम मिसलीडिंग है. एक नहीं है, इसमें बहुत सारे विलन है. बट कहानी दो नेगेटिव कैरेक्टर्स, ये अलग किस्म के विलन है. ये स्लाइटली आई थिंक अनअज्यूमिंग या इतने अग्रेसिव टाइप नहीं लगे आपको? मेरा बहुत ही लाउड और अग्रेसिव है. अच्छा. बट व्हेन वी से नेगेटिव कैरेक्टर्स, बोथ बाय डूइंग बाय एक्शन आर नेगेटिव. तो बोथ जो चीजें करते हैं पिक्चर में बतौर वो काफी डेंजरस है. तो एक विलन की बात नहीं है. और आपके अंदाजे बयां में काफी कुछ मिस्टर बच्चन की झलक कभी कभी दिखाई देती है. तो ये कॉन्शियस है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मेरे दिमाग में कभी जहन में ऐसा नहीं होता कि उनके जैसा या उनके कैसे करना. आई थिंक मुझे खुद नहीं दिखता कि क्या दिख रहा है उसमें स्क्रीन पे. तो आई थिंक एज अ कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं कुछ ऐड कर सकूं तो इन्होंने जो कहा, आई थिंक हमेशा हम देखते हैं कि एक हीरो एक विलन जब क्लैश होता है तो क्या होता है. बट इस फिल्म में है कि जब दो विलन सामने आ जाए और प्यार के लिए तो फिर क्या डायनामिक्स बनती है. अच्छा, सिद्धार्थ ने अपेरेंटली अपनी बॉडी पे बहुत काम किया इस फिल्म के जरिए. चलिए वो भी हम जरा उसके रैशेस भी देखते हैं. मतलब वो भी स्पेशल इफेक्ट्स हैं जिस तरह से इन्होंने पूरे टायर को उठाया. तो सारे स्पेशल इफेक्ट्स का काम है सिद्धार्थ? बहुत अच्छा है स्पेशल इफेक्ट्स का काम. आई थिंक बजट था इस बार हमारी पिक्चर में, तो बॉडी बेटर हो गई. तो अगली बार होपफुली और बजट होगा तो इससे बेहतर बॉडी बनेगी. नहीं, मगर क्या इस फिल्म के लिए खास तौर पे कुछ आपके बॉडी पर काम किया गया ताकि आप उस किरदार का हिस्सा दिख सके? एक ही ब्रीफ थी. आई थिंक मोहित सूरी वांटेड यू नो दिस कैरेक्टर, जरूरत है जो कि थोड़ा टफ लगने की. जो मैंने पहले किरदार प्ले करे वो सॉफ्टर और बॉयज थे. तो स्लाइटली टू बी माई एज एंड टू मेक इट थोड़ा फिजिकली, क्योंकि ये लड़का जो गुरु है यू नो डजंट माइंड गेटिंग फिजिकल वायलेंट है. तो एक किस्म की फिजिकलिटी चाहिए उसको कन्विंसिंग करने के लिए. तो वही एंड रेस्ट थैंक्स टू प्राइम फोकस. नो नो बट विद हिम, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो इतना सही है. इनके कैरेक्टर जब एक खड़ा रहता है फ्रेम में, ये कैरेक्टर जब ये खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको कोई हिला नहीं सकता.
दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर. एक वजन चाहिए था स्ट्रेंथ. और श्रद्धा आपने भी शायद कुछ नई चीजें इस फिल्म में की हैं. गाना तो खैर आपने गाया ही है, बाइक वगैरह भी चलाई है जिसमें शायद आपको चोट वोट भी लग गई थी. शायद नहीं, बिल्कुल चोट लगी. और ये अभी एक विलन की मेमोरी बन गई है. और दूसरे दिन मुझे साइलेंसर बर्न भी लगा था. फिर ऑन सेट जब हम शूट कर रहे थे, लकली वो लास्ट दिन था शूट का, और मैं गिर गई बाइक से. पर आई थिंक वो एक्सपीरियंस होता है बाइक चलाना सीखने का. एडवेंचरस आई थिंक अमंग्स ऑल थ्री ऑफ अस आल्सो, चाहे बाइक राइडिंग हो, माउंटेन क्लाइंबिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो, या चार माले से हमारे साथ छलांग लगाना हो, तो सब किया श्रद्धा ने. और हमने एडवेंचरस चीजें की इस फिल्म में. वो स्टंट्स भी देख लेते हैं श्रद्धा के. कैन वी हैव द क्लिप प्लीज. I've always wanted to learn how to ride a bike, and not just any bike, a Royal Enfield. And then suddenly I get this opportunity to learn how to ride a bike for a villain, and it's such an integral part of the character. I think my most daring action sequence was when I was sitting behind Shraddha when she was riding without any help. That required a lot of guts. My feet barely touch the ground when I'm riding the bike. Your legs are there, huh? She have slipped off the bike and luckily no major injuries. Oh, first shot! Unfortunately, on the first day of shoot, I got a silencer burn from the bike. सिद्धार्थ आप बहुत नर्वस दिखाई दे रहे थे इनके पीछे बैठे हुए. Such a bad driver. No, it's just at times balance के लिए. I think and hats off to her the way she was riding. Rider. Exactly. I am a very good rider. मैं आपको बता दूँ, it's not a joke कि एक 5-5 and a 3-4 की bullet चलाएगी. But I enjoyed it more than anything. And I'm good at it also. बिल्कुल चोट भी लगी. हाँ चोट भी लगी. और मेरे ख्याल से एक और जो नया, जो कम से कम मैं जानता हूँ कि इसमें स्कूबा डाइविंग के जरिए मेरे ख्याल से एक पूरा सीक्वेंस आपने क्रिएट किया है, उसके बारे में बताएं जरा क्या है वो. तो जैसे मैंने कहा, हमने काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें की गलिया के टाइम पे फॉर द मोमेंट्स ऑफ द सॉन्ग. तो हमने स्कूबा डाइविंग की, और मैं एक लाइसेंस स्कूबा डाइवर हूँ, पर इन्हें सीखना था. नॉर्मली आपको 2-3 दिन एक्चुअली लगते हैं स्कूबा डाइविंग सीखने में. इन्होंने तो 2-3 घंटों में ही सीख लिया, और इतने कम्फर्टेबल थे अंडर वाटर. व्हेन वी वर डूइंग इट, मैं तो ज़्यादा आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती थी एकदम जल्द से जल्द. और इनकी कैपेसिटी एक्चुअली ऑडली जब शॉट अंडर वाटर, ऑफ कोर्स हम लोग कॉस्ट्यूम में थे, विदाउट टैंक गए थे, तो वी हैड टू टेक अ यू नो टेक अ डीप ब्रेथ एंड लीव द टैंक. शॉट देने बाद तो आप स्विम करते तो श्रद्धा का सांस रोकते ही श्रद्धा एक एंड दो, एंड दैट्स अ सिग्नल की श्रद्धा के हवा चेक एंड यू नो एयर शी इज आउट ऑफ एयर. तो मेरे लिए कंपैरेटिवली ऐसा उन रशेस को भी उस क्लिप को भी देखते हैं स्कूबा डाइविंग वाली. I've been diving before and I'm an advanced scuba diver. We have to remove the mask, hold our breath, smile and pose underwater and hold the oxygen and pretend as if it's all fine and we can breathe underwater and smile and give the shot. All the best to us. तो कितना बड़ा चैलेंज था श्रद्धा, कितना बड़ा चैलेंज था ये? ये एक्चुअली बहुत मज़ा आया. मैं ऑलरेडी पहले सीख चुकी हूँ, तो इनके लिए नया था अंडर वाटर. पर चैलेंजिंग था क्योंकि हमें वो माउथ पीस निकालना था बिफोर द शॉट, तो ब्रेथ पकड़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी. इनके कंपैरिजन में मेरी सांस ज़्यादा रोक सकता हूँ, इनकी लंग और हाइट से फर्क पड़ता है और मे बी. बट इट वॉज क्वाइट टफ बिकॉज कभी कभी जब डिले होता था या कन्फ्यूजन होती थी जब हम वाइड शॉट लेते थे, सो इवन फॉर द टैंक टू कम टू अस वुड टेक दैट एक्स्ट्रा 10 seconds. तो आपको जिसको फोबिया है, जिनको या अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया या क्लोज जगह का, तो बहुत टफ होता है यू नो, क्योंकि आपकी जान पे आ जाती है. मैं इनको बता रहा था कि इट्स कमेंडेबल कि इन्होंने जो किया है. मैं पहली बार जब स्कूबा डाइविंग करने गया था बहामास में 12 साल पहले, तो मैं अंदर चला गया 85 फीट डाउन. ट्रेनर वेनर सब लोग थे, टैंक थी ऑक्सीजन बाकायदा. और यू नो आपको कहते हैं, और जो ट्रेनर रहते हैं बाजू में रहते हैं, कहते हैं कि अगर सब कुछ ओके है तो ऐसे करो, और सब नॉट ओके तो ये, और नॉट ओके तो ऐसे करो. ओके ठीक है चले गए.
घूम रहे अंडर वाटर लाइफ देख रहे ब्यूटीफुल एंड सडनली ही आस्क्ड मी ओके ओके मुझे पता नहीं था और फिर ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, बोला रुक रुक रुक, नहीं 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 नहीं, और मैं ऊपर जा रहा हूँ, नहीं आ रहा। That was the only time in my life मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। और जैसे ही पानी के ऊपर आया ना, और उसके बाद फिर बोट पे बैठा मैं, और यू नो पूरी लाइफ एक सेकंड आपके सामने आती है। सो स्कूबा डाइविंग वाज अ बिग नो फॉर मी। आप लोगों को भी शायद मास्क उतारे थे इसमें फैम। हम विदाउट टैंक थे, विदाउट गियर थे, हम लोग कॉस्ट्यूम या टैंक लेके नहीं जा पाए, तो हम लोग फिल्म की कॉस्ट्यूम में थे, तो उसमें हम लोग इतने डीप नहीं थे जितने डीप ये गए थे, पर वही है, अगर आप पैनिक कर जाए अंदर तो मुश्किल होता है शॉट देना भी। हम लोग को फिर भी शॉट देना था, पोजीशंस थी कैमरा पे, कम्युनिकेशन इज वेरी टफ बिकॉज आप कुड ऑब्वियसली हैंड सिग्नल के थ्रू कर रहे हैं कैमरामैन के साथ। तो हमने दो दिन किया और इतना आई होप कि अगली बार हम पूरा गाना अंडर वाटर हो तो वो पूरा यूज हो पाए। गाना का आपने जिक्र किया श्रद्धा, आपने गाना गाया है इसके अंदर इस फिल्म में, एक झलक आपकी नए टैलेंट की। सो एक पूरा गाना गाया मैंने इस फिल्म में, दोनों माइक्स एंड अपना सिंगिंग डेब्यू भी कर रही हूँ। और तो दो लाइनें बिल्कुल, तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया मुझको भावे, गलिया तेरी गलिया तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया यूं ही तड़पावे, गलिया तेरी गलिया। तो ये जीन्स कहाँ से आए? क्योंकि आपके फादर को मैं जो गाना गाते सुना है वो सत्ते पे सत्ता का, वो सॉन्ग का एक हल्का सा एक उनकी आवाज सुनाई देती है बीच बीच में। मेरे डैड भी बहुत अच्छा गाते हैं और एक्चुअली राइट तो मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आती हूँ, तो कहीं ना कहीं आई थिंक हल्का सा सुर आ गया है, सो गुड गुड। और आपके डैड तो मेरे ख्याल से मशहूर विलन्स में से भी हैं, शक्ति कपूर आइकॉनिक, राइट फ्रॉम कुर्बानी आइकॉनिक विलन, विलन की बेटी एक विलन में, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। नहीं, ऐसा तो नहीं, स्टिंग इन द टेल तो नहीं है, इस सही मायने में एक विलन की जो असली विलन है वो श्रद्धा, वो ये है एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा ये बताइए आप तीनों, हाँ जी, सबसे विलेनस काम क्या किया आपने लाइफ में, स्टार्टिंग विद यू सिद्धार्थ। सबसे विलेनस काम हर किसी में यू नो आई थिंक होता है कि अच्छा बुरा। बचपन में जो नाटकबाजी करते हैं, जो मेरा भी मेरा कजन मेरे को फिर से मारेगा, मैं बार बार एक स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा था बचपन में जब मैं सबसे छोटा, मेरे बड़े कजन थे काफी, तीन या पांच भाई थे, तो मैं छोटा था उनमें सबसे, तो लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो छोटा सबसे ज्यादा पिटता है। तो उसके बाद जब मैं 12 साल का था तो गुस्से में थोड़ा जब बदले की जो चाह थी, मैंने उसके बाथरूम में जाके टूथब्रश उठाया और उसको टॉयलेट में डिप किया और वापस रख दिया। अभी तो शरारती, कम ऑन शरारती विलेन, उससे पूछो उसके जो मुंह पे अभी भी टेस्ट आ रहा है, टूथब्रश को टॉयलेट में डुबाया यार। व्हाट अबाउट यू श्रद्धा, उससे इससे बड़ा विलेन कोई नहीं हो सकता, और टॉयलेट में डुबाया, वेरी इविल थिंग, योर पुअर फ्रेंड। कोई किसी को नहीं चाहूंगा उसका टूथपेस्ट ऐसा कहीं जाए। आपने सबसे कौन सा विलेनस काम किया? सबसे विलेनस काम किया, अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन कौन है या क्या चीज़ है। मुझे खाने का बहुत बहुत शौक है, शायद आपको दिखेगा नहीं, वैसे मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी मॉम बहुत थिन है, पर मेरी अगली फिल्म के लिए जो डाइट मैं अभी कर रही हूँ तो वो सबसे बड़ा विलन है मेरी लाइफ का, क्योंकि आई लव ईटिंग खाना, आई लव ईटिंग फूड, तो मेरे सारे फेवरेट फूड्स अभी मुझे मना है, तो वो सबसे बड़ा विलन है। और रितेश आप कोई एक ऐसे इंसिडेंट जिसमें आप सही मायने में, नहीं विलन तो नहीं, इन्होंने बचपन की बात की तो शरारती, बचपन में शरारत ही विलन का तरीका होता है। तो दिवाली में घर के आंगन में, गांव में जब मैं जाता था हर दिवाली में, तो गोबर के हम लोग भगवान बनाते थे। अच्छा। तो सुबह वो पंडित आते थे, गोबर के भगवान बनाते थे, चले जाते थे,
फिर दोपहर को मैं आकर उनमें सारे फायर क्रैकर्स डाल के पूरा गोबर घर के छत तक उड़ा देता था. तो माय मदर यूज्ड टू थिंक आई वाज द बिगेस्ट विलन दैट टाइम. या इमेजिन ऑल द काउडंग ऑल ओवर गोबर बॉम्ब. सो दैट इज द रिस्पेक्ट फॉर द गॉड आई हैड देन. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, श्रद्धा और रितेश एबीपी न्यूज रूम में आप शामिल होने के लिए. और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपकी फिल्म पसंद आएगी. Thank और जिस जिन किरदारों को आप पेश कर रहे हैं वो दर्शकों के जहन में जी बिल्कुल. 27 जून वैलेंटाइंस डे हम मना रहे, तो 27 जून याद रखिए. तो ये थी मेरे साथ एक विलन की एक नहायत ही टैलेंटेड स्टार कास्ट. एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है.